अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ शरगोधा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉल 2023 यूनिवर्सिटी ऑफ शरगोधा के दाखिले ओपन हो चुके हैं, तो अब हम admissions.su.edu.pk पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके और अपने यूनिवर्सिटी ऑफ शरगोधा के एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम admissions.su.edu.pk पे आएंगे, हमारे पास ये वाला फ्रंट पेज पे ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे नीचे लेबल आ रहा है साइन अप का, इस पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप यहीं पे डाल के अपने एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम न्यू यूज़र हैं, एज अ न्यू यूज़र एप्लीकेंट देखेंगे कि किस तरह हम अपने किन किन स्टेप से गुजर के अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम न्यू यूज़र हैं तो साइन अप नीचे लेबल है, इस पे हम क्लिक करेंगे, अपना नेम, अपना लास्ट नेम और अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस इनपुट करेंगे। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो यस करेंगे, अगर आप नेशनल स्टूडेंट हैं तो नो क्लिक करेंगे, और अगर यस करेंगे तो आप अपना पासपोर्ट इनपुट करेंगे। अगर आपने नेशनल स्टूडेंट हैं जैसे पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो अपना CNAC इनपुट करेंगे और अपना मोबाइल वर्किंग कंडीशन के अंदर मोबाइल इनपुट करेंगे। ध्यान रखिएगा, कन्वर्टिंग नंबर इनपुट से परहेज करें क्योंकि मैसेजेस के ऊपर DA से रिसीव होते हैं। अपना जेंडर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर, जैसे ही हम यहाँ पे साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ईमेल रिसीव होगी, जिसके अंदर हमारा लॉगिन आईडी और हमारा पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा। यही लॉगिन आईडी हम कॉपी करेंगे और अपना पासवर्ड यहाँ से कॉपी करके दोबारा लॉगिन पेज पे चले जाएंगे और वहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इनपुट करके अपनी एप्लीकेशन क्रिएशन पे आ जाएंगे। जैसे कि हमने पीछे लॉगिन करके हम एप्लीकेशन क्रिएशन पे आ गए यूनिवर्सिटी ऑफ शरगोधा की एडमिशन्स के लिए। यहाँ पे हमारे पास फर्दर काफ़ी स्टेप्स हैं, जैसे कि एडमिशन इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, गार्डियन इंफॉर्मेशन और एकेडमिक इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम चॉइसेस के साथ हम इनको फिल करके अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट और कम्प्लीट करके सबमिट कर सकते। इसी तरह जैसे हम फर्स्ट स्टेप पर आते हैं, हमारे पास एक एडमिशन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हम किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे कि FSC के पार्ट वन के हम एज एप्लीकेंट देखे चलते हैं, तो हम यहाँ पे FSC के बाद हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल करवाना चाहते हैं और उसके लिए एस्पायरेंट हैं, हम अंडर ग्रेजुएट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हम किस सीट के ऊपर अपने आप को कम्पीट करवाना चाहते हैं, जैसे ओपन मेरिट के ऊपर या सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, दैन डिफरेंट टाइप ऑफ कोटा जो यूनिवर्सिटी ऑफ शरगोधा अपने डिपार्टमेंट्स के तौर पे एलोकेटेड सीट करता है, उनके ऊपर अपने आप को कम्पीट करवाना चाहिए। जैसे कि अगर हम ओपन कोटा को ओपन मेरिट को सेलेक्ट करते हैं, फिर इसकी कुछ हर डिसिप्लिन की कुछ सीट्स के ऊपर अपने आप को मेरिट के लिहाज से अपने आप को एलिजिबल करवाएं। अगर हम सेल्फ फाइनेंस है तो इसकी पूरी डिग्री में आपको 1 लाख रुपीज एडिशनल पे करना पड़ेगा रेगुलर फीसिस के साथ अलावा। अगर हम कोटा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कोटा का नॉमिनेट या डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस कोटे के ऊपर हम अपने आप को अप्लाई करवाना चाहते हो। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपना प्रोविंस। इसके साथ साथ जैसे कि अगर आप हाफ़िज़े कुरान है तो उसके एडिशनल मेरिट के अंदर आपको नंबर मिल सकते हैं। अगर आप हाफ़िज़े कुरान का टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ शरगोधा जो कंडक्ट करवाएगी, अगर आप उसको क्लियर कर रखेंगे, अगर आप हाफ़िज़े कुरान हैं तो आप इसको प्लैग को ऑन करेंगे और अपना हाफ़िज़े कुरान का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके साथ अपडेट कर सकते। जैसे ही हम एडमिशन इंफॉर्मेशन को फिर अपडेट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी, ओपन होगी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन पर्सनली तौर पे जो हम अपना नेम, अपना CNAC नंबर, अपना डोमिसाइल किस रीजन का है, वो सब फिल करके आगे स्टेप को फॉरवर्ड करेंगे। अब जैसे कि हम एडमिशन इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन इनपुट कर चुके हैं तो हमारे पास थर्ड स्टेप ऑन हो चुका है, जिसमें हम अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आईडी कार्ड के मुताबिक सेम है
तो आप इस चेक को ऑन करके जो करंट एड्रेस है उसका सेम आप कॉपी कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस के अंदर। गार्डियन इन्फॉर्मेशन के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारे गार्डियन फैमिली मेम्बर्स में से कौन है या फैमिली मेम्बर्स के आउटसाइड हमारा कौन सा गार्डियन है। जैसे ही गार्डियन इन्फॉर्मेशन इनपुट होगी तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ओपन हो जाएगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लो लेवल एजुकेशन से स्टार्ट होकर अपनी हायर लास्ट डिग्री को इनपुट करेंगे। इसके साथ ही अब हमारे पास मेन ऑप्शन आ जाएंगी जिसके अंदर हम अप्लाई करना चाहते हैं। प्रोग्राम हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम चॉइसेस के अंदर हम उन प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे जिनके अंदर हम अप्लाई करना चाहते हैं। ये हमारे पास सारे प्रोग्राम आ गए इंटरमीडिएट की बेसिस के ऊपर कि जो हमने FSC प्री इंजीनियरिंग की है उसके अंदर हम कौन कौन से डिसिप्लिन में जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंसेस आएंगे कि कितनी प्रेफरेंसेस, हम 5 प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अपडेट करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है वो हमारे पास डिटेल में ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम रिव्यू कर लेंगे, अगर कोई ऑप्शन हमारी मिसिंग है तो हम उसको दोबारा ऊपर से जाके अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फर्दर हम यहाँ पे अंडरटेकिंग एक दफ़ा रीड कर लेंगे कि मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और यूनिवर्सिटी ऑफ सहयोगा राइट रखती है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव या इससे केस में आते हैं तो वो मेरा एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, फिर राइट सकते हैं। इसको यहाँ पे आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस और सबमिट एप्लीकेशन पर। तो हमारे पास जितने हमने डिसिप्लिन सेलेक्ट किए हैं, जितने प्रेफरेंसेस हमने सेलेक्ट किए हैं उनके लिए से हमारे पास एक चलान डाउनलोड हो जाएगा जिसको हम किसी भी HBL ब्रांच के अंदर सबमिट करवा के उसकी रिसीविंग यहाँ पे दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ये और यहाँ तक होगी हमारी सारी एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट, जिसके अंदर हम अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, गार्डियन इन्फॉर्मेशन, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और प्रोग्राम चॉइसेस को सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया और अपनी फीस सबमिट करवा के उसकी फीस अपलोड कर दिया। अगर हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सहयोगा जो डिसिप्लिन आपने स्टार्ट किया है अगर वो चाहती है कि वो टेस्ट लेना चाहती है उसमें, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर और डेट इस ऑप्शन में आपको शो हो जाएगी। फर्दर मोर अगर आपका वो टेस्ट कंडक्ट उन डिसिप्लिन में आपने कोई ऐसी चॉइसेस सेलेक्ट किए हैं जिनका टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपल मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट शो हो जाएगा कि कौन कौन से बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया गया है और कितने कितने मेरिट वाले बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया गया है। फर्दर मोर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पे और आपको SMS के थ्रू भी सेंड हो जाएगा।